जालौन से खबर है सड़क हादसे की। प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम यहां पलट गई है। अज्ञात गाड़ी ने डीसीएम में टक्कर मारी जिस वजह से डीसीएम पलट गई। डीसीएम में 46 प्रवासी मजदूर जो हैं वो सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 14 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस दुर्घटना में। ईटा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो जालौन में सड़क हादसा हुआ है। प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम यहां पलटी है। अज्ञात गाड़ी ने डीसीएम को टक्कर मारी थी और इसमें एक महिला समेत दो लोगों की मौत की खबर मिल रही है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, कितने बजे यह हादसा हुआ और फिलहाल गंभीर जो लोग घायल हुए थे उनकी हालत कैसी है? श्वेता, मैं बता दूं कि जो घटना है वो सुबह लगभग 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें अज्ञात वाहन ने जो प्रवासी मजदूर थे वो मुंबई से चलकर जौनपुर जा रहे थे, तो किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे हाईवे के पास में ही डीसीएम पलट गई और उसमें दो लोगों की, महिला सहित दो लोगों की मौके पर मौत हुई और 14 लोग जो है वो घायल है। उनका राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में उपचार किया जा रहा है। जी, और बाकी मजदूरों को क्या जांच के बाद उन्हें कहीं रखा गया है या उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें अपने जनपद के लिए रवाना किया गया है? जी बिल्कुल, डीसीएम में 46 मजदूर सवार थे, जिनमें से 14 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और 2 लोगों की मौत हुई। बाकी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुए जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें यूपी परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जनपद तक भेजा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए।